गुड इवनिंग। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे चैप्टर वन की हमने शुरुआत कर दी थी, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या है चैप्टर वन? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहां तक पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? वहां तक पढ़े थे कि फ्रांस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। नेशनल असेंबली ने संविधान लिखा था और उस संविधान पर फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16 ने हस्ताक्षर किए थे। उस संविधान को स्वीकार किए थे लुई 16 ने, फ्रांस के तत्कालीन राजा ने, और उसी संविधान के अनुसार शासन करने की उन्होंने घोषणा की थी। शासन करने के लिए स्वीकार किया था, सबको भरोसा दिलाया था और इस तरीके से फ्रांस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया था। लेकिन संविधान पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, दस्तखत करने के बावजूद भी लुई 16 प्रशा के राजा के साथ गुप्त वार्ता कर रहा था। लुई 16 क्या कर रहा था? प्रशा के राजा के साथ गुप्त वार्ता। किस तरह की गुप्त वार्ता? क्योंकि लुई 16 को दिल से और दिमाग से अभी तक स्वीकार्य नहीं था कि फ्रांस में वो संवैधानिक राजतंत्र कायम रखे। वो हर हाल में चाहता था कि जिस तरीके से सदियों से फ्रांस राजतंत्र था वो राजतंत्र ही रहे। और लुई 16 अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार फ्रांस पर शासन करे। वो किसी भी तरीके से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र को हटा करके फिर से वही वाली राजतंत्र लेकर आना चाहता था जो पहले था। इतना ही नहीं, फ्रांस के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश थे उन देशों के राजा भी चिंतित थे इस बात से कि जिस तरह की घटनाएं फ्रांस में घटी हैं, जिस तरह से फ्रांस के लोगों ने क्रांति की है, फ्रांसीसी क्रांति की है और राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र में बदला है, कहीं ऐसा ही उनके देशों में भी नहीं हो जाए, उनके देश की जनता भी ऐसी कोई क्रांति ना कर बैठे और उनके देशों में से भी राजतंत्र को हटा करके संवैधानिक राजतंत्र ना लाते। इसलिए वो सभी भी चिंतित थे और कहीं ना कहीं इस क्रांति के खिलाफ वे सभी के सभी एकजुट हो रहे थे। और वो एकजुट हो भी गए और एकजुट होने के बाद वो लोग अपने अपने सैनिक तैयारियां करने लगे ताकि फ्रांस पर हमला करके और वहां के सिचुएशन को अपने अनुसार नियंत्रित किया जा सके। लेकिन वो ऐसा करते कि उसके पहले ही अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रशंग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्या किया नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में, इससे पहले कि प्रशा, ऑस्ट्रिया और उनके सहयोगी देश पूरी सैनिक तैयारी के साथ फ्रांस पर हमला करते, आक्रमण करते, फ्रांस के सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखते, उससे पहले ही अप्रैल 1792 में ही फ्रांस के नेशनल असेंबली ने, जिसने कि संविधान तैयार किया था फ्रांस के लिए, उसी नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध की शुरुआत हो गई। उस युद्ध में युवक बड़ी अधिक संख्या में भाग लेने के लिए सेना में भर्ती होने लगे। लगभग सभी पुरुष सीमा पर प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में जूझे थे, युद्ध में शामिल थे और घर का, परिवार का पूरा बोझ अब घर की महिलाओं के कंधे पर आ गया था। युद्ध खर्चीला होता है, इसलिए वहां पर हर चीज की महंगाई बढ़ गई थी। आवश्यक चीजों की
जो डेली यूज की चीजें हैं, घरेलू उपयोग की चीजें हैं, जो लोगों को रोज चाहिए जिंदा रहने के लिए, ऐसे आवश्यक चीजों की कीमत आसमान छूने लगी। महंगाई बहुत बहुत अधिक बढ़ गई और उन चीजों का अभाव भी होने लगा। इसकी वजह से जनता में असंतोष भी पैदा होने लगा और जनता के बीच उत्पन्न हुए उसी असंतोष ने एक क्लब को जन्म दिया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस क्लब के साथ जुड़े, इस क्लब में शामिल हुए और फिर जैकोबिन क्लब ने हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। यानी कि ये जो सरकार लुई 16 की जो सरकार थी, संवैधानिक राजतंत्र वाली सरकार, संविधान पर हस्ताक्षर करने के हिसाब से, लेकिन लुई 16 को दिल और दिमाग से संवैधानिक राजतंत्र कतई स्वीकार्य नहीं था। वो हर हाल में अपने पुराने हालात में लौटना चाहता था, इसीलिए वो प्रशा के राजा के साथ गुप्त वार्ता भी कर रहा था और उसके गुप्त वार्ता का ही नाजायज फायदा उठाकर के प्रशा ऑस्ट्रिया और बाकी पड़ोसी देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। ये बात अलग है कि उनका हमला करने से पहले नेशनल असेंबली ने खुद ही ऑस्ट्रिया प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, ये बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा कोई अगर दोषी था तो फ्रांस का राजा लुई 16 था, लुई 16 था। और इसीलिए नाराज जनता ने जैकोबिन क्लब को जन्म दिया और ये जैकोबिन क्लब हिंसक विद्रोह की योजना बनाने लगा। और योजना बनाने के बाद उसने उस योजना पर काम भी किया। परिणाम क्या निकला कि जैकोबिन क्लब ने राजा के रक्षकों को मार डाला। लुई 16 के जो रक्षक थे, उसके जो बॉडीगार्ड्स थे, जिनके संरक्षण में लुई 16 रहता था, उन सब को जैकोबिन क्लब के लोगों ने मार डाला। उसके बाद राजा को, यानी कि फ्रांस के राजा लुई 16 को घंटों तक उन्होंने बंधक बना करके रखा। फिर नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का फैसला लिया, शाही परिवार को जेल में डाल दिया गया। लुई 16 समेत पूरे शाही परिवार को जेल में डालने के बाद नेशनल असेंबली ने नए चुनाव की घोषणा की। उस चुनाव के लिए फ्रांस में 21 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी नागरिक थे सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया, सबको मताधिकार दिया गया। चुनाव कराए गए, उन सभी 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जितने भी पुरुष नागरिक थे, ध्यान दें महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मताधिकार मिला था। तो 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जितने भी पुरुष नागरिक थे फ्रांस के, सभी ने चुनाव में हिस्सा लिया, सभी ने वोटिंग की, अपने अपने मत डाले और फिर नई सरकार वहां पर बन करके आई। जो नई असेंबली चुन करके आई थी उसका नाम रखा गया था कन्वेंशन। क्या नाम रखा गया? जो नई असेंबली जो चुन करके आई जनता के द्वारा, उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। और इस तरीके से 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से हमेशा हमेशा के लिए राजतंत्र का अंत कर दिया गया और वहां पर गणतंत्र की स्थापना करी गई। गणतंत्र, गण मतलब लोग, जनता, और तंत्र मतलब सिस्टम। गणतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, और सिविक्स पढ़ाते वक्त मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई थी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, ये कैसी सरकार होती है? जो लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाई गई सरकार होती है। ऐसी ही सरकार का गठन यहां पर फ्रांस में भी किया गया 21 सितंबर 1792 को। ये तो बात समझ में आती है कि हाँ गणतंत्र ही बना, क्योंकि पूरे शाही परिवार को राजा लुई 16 सहित जेल में डालने के बाद चुनाव की घोषणा करी गई, चुनाव कराए गए, चुनाव में
फ्रांस के जितने भी 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष नागरिक थे सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया और वोटिंग कराई भी गई, चुनाव कराए भी गए। उन लोगों ने अपने अपने मत का वोटों का प्रयोग भी किया, पहली बार प्रयोग किया, और अपने अपने मतों से फ्रांस की जनता ने अपने लिए सरकार बनाई, सरकार का गठन किया गया। तो जब लोगों के द्वारा चुनाव करा करके सरकार का गठन किया गया तो जाहिर सी बात है वो लोकतांत्रिक सरकार ही हुई, वो गणतंत्र हुआ, प्रजातंत्र हुआ, और उसकी यह स्थापना 21 सितंबर 1792 को हो गई। लोकतंत्र बनने के बाद जो अब लोकतांत्रिक फ्रांस था, जो गणतांत्रिक फ्रांस था, जनतांत्रिक फ्रांस था, जहां पर जनता के द्वारा चुनी गई अब सरकार काम कर रही थी, उस सरकार के आपको पता होगा सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाती है, और न्यायपालिका जो पूरे देश में न्याय व्यवस्था को कायम करती है। तो जाहिर सी बात है वहां भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होंगे। तो उस न्यायपालिका ने, गणतांत्रिक फ्रांस के न्यायपालिका ने मुकदमा चलाया फ्रांस के राजा लुई 16 के ऊपर, और फिर देशद्रोह के खिलाफ मुकदमा चला करके उसको दोषी ठहराया, और दोषी ठहराने के बाद न्यायालय ने क्या किया, लुई 16 को मौत की सजा सुनाई। फ्रांस के राजा लुई 16 को मौत की सजा सुनाई किसने, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, जनतांत्रिक फ्रांस की नव निर्वाचित सरकार के अंग न्यायालय ने, न्यायपालिका ने मौत की सजा सुनाई। और उसी न्यायालय के द्वारा सुनाई गई सजा के अनुसार, मौत की सजा के अनुसार 21 जनवरी 1793 को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई लुई 16 को, सार्वजनिक रूप से। ध्यान देने वाली बात है, सार्वजनिक रूप से सबके सामने फांसी की सजा दी गई 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को। और फिर कुछ दिन बाद उसकी रानी मेरी एंटोनेट को भी फांसी की सजा दी गई, यानी कि रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ जो हश्र राजा लुई 16 का हुआ। और यहां पर इस तरीके से फ्रांस में राजतंत्र खत्म हुआ, चाहे वो केवल राजतंत्र हो या संवैधानिक राजतंत्र हो, वो बिल्कुल खत्म हो गया और फ्रांस क्या बन गया, गणतंत्र बन गया, गणतांत्रिक देश बन गया। फ्रांसीसी क्रांति यहीं पर समाप्त नहीं होती है, फ्रांस की सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का अंत यहीं पर नहीं होता है। उसके सामने, फ्रांस के सामने, फ्रांस के लोगों के सामने और भी समस्याएं थी, और भी दिक्कतें थी, और भी परेशानियां थी जिनको दूर करना जरूरी था, और वह भी एक क्रांति के बदौलत थी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति अभी और आगे तक चली। इसके बाद क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसकी जानकारी हम आपको अगली क्लास में देंगे। थैंक यू।